नमस्कार किसान भाइयों, ग्रीन इंडिया चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम बताएंगे कि गर्मियों में पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था किस प्रकार की जाए, क्योंकि गर्मियों में हरा चारा लग पाना बहुत ही कठिन होता है। तो दोस्तों, आज हम इसी समस्या का समाधान लेके आज आपके सामने आए हैं कि किस प्रकार आपको इसे लगाना है और किस प्रकार आपको इसे सेट करना है। क्योंकि किसान भाइयों, गर्मियों में खासतौर से राजस्थान में ये दिक्कतें बहुत सामने आती हैं कि भीषण गर्मी के कारण हरा चारा लग पाना बहुत ही मुश्किल होता है और बहुत ही कठिन होता है। तो आज हम इसी समस्या का समाधान लेकर आज आपके सामने आए हैं। तो चलिए किसान भाइयों, आज हम बताते हैं कि किस प्रकार इस पूरे सिस्टम को लगाना है और किस प्रकार आप गर्मियों में भी उसी प्रकार चारों को ग्रो कर सकते हैं और ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, ये हमने जो डेमो लगा रखा है आपके सामने, हम बता रहे हैं कि किस प्रकार इसकी ग्रोथ है। आप खुद देख लीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो कर रहा है और लगभग बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो कर रहा है। और इस प्रकार से आपको इसकी कटाई करनी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और जो आप ये सामने देख रहे हैं, ये लगभग 7 या 8 दिन के अंदर इतना ग्रोथ लिया है और इतना बड़ा हुआ है। तो इसी समस्या का आज हम आपके लिए समाधान लेकर आए हैं। हम बताएंगे कि किस प्रकार हमें इस समस्या का समाधान करना है और किस प्रकार हमें ये सब सिस्टम लगाना है। तो सबसे पहले किसान भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस किसान भाई के पास ड्रिप पद्धति है, ड्रिप का सिस्टम है, उसके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। हम आपको बताएंगे कि ड्रिप यानी कि बूंद बूंद सिंचाई इसमें बहुत कारगर साबित होती है। तो हम बताएंगे कि आपको किस प्रकार से इसको पूरा करना है और किस प्रकार को इसे सेट करना है। हम बताएंगे आपको कि सबसे पहले हमें ड्रिप पाइप्स बिछानी है इसके अंदर, जैसा कि आप देख रहे हैं इस ड्रिप जो लाइन है, ये इसको बिछाना है। और ये पॉलीमल्स है, इसका प्रयोग में लेना है आपको, जो आपको एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स की दुकान पे आपको आसानी से उपलब्ध होगी। गवर्नमेंट इसके बाकायदा सब्सिडी भी प्रावधान करती है। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जो बाजरे का पौधा है, इसकी ग्रोथ को आप देख पा रहे होंगे कि इतना शानदार तरीके से ग्रो किया है और इसकी ग्रीनियंस को देखकर भी आप हैरान रह जाएंगे। तो किसान भाइयों, हम बताते हैं कि इसमें सबसे जो मेन बात है पानी की समस्या। पानी बहुत कम इसमें उपयोग लेते हैं और बहुत ही कम पानी इसमें उपयोग आता है, मात्र 6 या 7 दिन के अंदर एक बार, वो भी सिर्फ 1 घंटे इसके अंदर हमें चलाना होता है। क्योंकि इसके अंदर हम बताते हैं जो इसका मेन कारण है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे हम ये पॉलीमल्स का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, जो ये पॉलीमल्स होती है जो इसके अंदर ड्रिप जो लाइन बिछी हुई है, हम आपको बता रहे हैं, जो इसका मेन कारण यही है कि जो इसके अंदर नमी है ना, वो 5 या 7 दिन तक बरकरार रहती है और ज़्यादा दिन तक भी रह सकती है, लेकिन हमें 5 या 7 दिन में सिर्फ 1 घंटे पानी चलाना होता है। उसी में ही इसका बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ हमें मिल रही है। तो किसान भाइयों, आपको हमारी टेक्निक अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।